अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां देवतालाब शराब दुकान में प्रिंट रेट से अधिक दामों में शराब बिक्री की जा रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार बेखबर बने हुए हैं। बताया जाता है कि देवतालाब अंग्रेजी शराब दुकान ठेकेदार की मनमानी के कारण अंग्रेजी शराब दुकान पर प्रिंट रेट से अधिक दामों में शराब की बिक्री की जा रही है, जिसको लेकर देवतालाब अंग्रेजी शराब दुकान सेल्समैन द्वारा मनमानी तरीके से प्रिंट रेट से अधिक दामों पर शराब की बिक्री की जा रही है, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है। वहीं आबकारी विभाग के जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। बताया तो यह भी जाता है कि पूरे जिले में अलग अलग रेट में अलग अलग दुकानों में शराब बेची जा रही है, और यह सब राजनीतिक दबाव और जो जैसे स्थान पर दुकान है उस हिसाब से मनमाने लूट मची हुई है। काहे करे जाइए, हमें 150 रेट दिया में देवे यार। अरे बाटल है, जितने के होई उतना देवे के अपने से देवे, रेट के हिसाब से नहीं देखे क्यों इच्छा दे देवे। रेट दिखावा, रेट कत्ता लिखा है, कई रुपया लिखा है, अब देखिए 280 रेट से नहीं बचे दारू। तू जावे सब्जी ले हुआ बता देवे कि मतलब अत्तन के बचल रही कुछ ले, तू जा मतलब रेट से ऊपर जितना प्रिंट रेट रहते उससे ज्यादा दे देवे। ज्यादा ना दे, मगर ये कागज है वह रेट चल रहा है। कैसे चल रहा है? ज्यादा चल रहा है। ज्यादा कैसे चल रहा है? ऐसे ज्यादा चल रहा है। काहे चल रहा है? काहे चल रहा है ये बता। ठेकेदार से पूछा ना काहे ऐसे चल रहा है? काहे ऐसा चल रहा है? ठेकेदार से बात करी ना, उनका महंगा है। तब ठेकेदार दारू तू बेच रहे तो ठेकेदार से बात करी। अच्छा कागज है, काहे तू बात करबे, हम काहे करब भाई। हम नहीं करेंगे बात, आप यहां शिकायत करना होता है। शिकायत से मतलब? हां शिकायत से मतलब ये कई रुपया रेट है दारू की तू ये बता। कै रुपया ये बतावा तू दारू के प्रिंट रेट कत्ता है भैया? MRP कत्ता है तू ये बतावा? MRP कितना है ये बताइए। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित। और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.